रोजाना मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। एक बार फिर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान, मंगलसूत्र विरासत टैक्स की कही बात, कहा इंडिया गठबंधन आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करेगा और अपने वोट बैंक में बांट देगा। आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर हुए मतदान, 1 बजे तक त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 54.47% हुए मतदान। वही छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मी ने बूथ पर खुद को मारी गोली। जम्मू कश्मीर के सुपौर में हुई गोलीबारी, 2 आतंकी हुए ढेर तो वही 2 जवान घायल। 2 दिन से चल रहा था ऑपरेशन, आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। वहीं पीएम मोदी पर 6 साल चुनावी बैन लगाने की जा रही है मांग। भगवान मंदिरों के नाम पर वोट मांगने पर लगा आरोप, दिल्ली हाईकोर्ट में 29 अप्रैल को होगी सुनवाई। अलीगढ़ में फर्जी मतदान होने पर हुआ हंगामा, दूसरे चरण में वेस्ट यूपी की 8 सीटों पर मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अमरोहा, अलीगढ़ और मथुरा में हुए मतदान। दिल्ली में आप नेता संजय सिंह ने दिया बड़ा बयान, लगाए भाजपा पर आरोप, कहा दलित का बेटा दिल्ली का मेयर बनने वाला था तो इन्होंने साजिश करके चुनाव रोक दिया। ओवैसी ने पीएम मोदी पर कसा जोरदार तंज, कहा मुसलमानों को लेकर झूठ बोलते हैं पीएम मोदी। दरभंगा में बारातियों की आतिशबाजी से शामियाने में लगी भयंकर आग, शादी में सिलेंडर फटने से हुआ ब्लास्ट, एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई मौत। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 609 अंक की गिरावट के साथ 73,730 पर हुआ बंद, वही निफ्टी भी 150 अंक गिरा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा की 3 लोकसभा सीट गुरुग्राम, फरीदाबाद और भिवानी महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा इन तीनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल कर चुकी है। पार्टी की कोशिश है कि इन सीटों पर फिर से कब्जा जमाया जाए, मगर इस बार तीनों सीटों पर पिछली बार जैसा एकतरफा माहौल नहीं है। आपको बता दें कि फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ में कुछ जगहों पर नाराजगी देखने को मिली। वहीं भाजपा के तीनों ही उम्मीदवार मोदी से आस लगाए बैठे हैं और जगह जगह हो रही अपनी सभाओं में पीएम मोदी की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। बताते चले कि फरीदाबाद सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में उतारा है, जो भाजपा के पुराने नेताओं में से एक हैं। वह राज्य में मंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अपना मजबूत दावेदार चौधरी महेंद्र प्रताप को मैदान में उतारा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विपक्ष पर निशाना साधा है। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जेजेपी पार्टी टूट चुकी है और कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलती रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने करनाल पहुंचकर भारतीय कामगार संघ के पदाधिकारी व श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समस्या सुनने के बाद समाधान के प्रति विश्वास भी दिलाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कामगार और श्रमिकों ने आज यह तय किया है कि वे सभी हरियाणा की 10 सीटों पर कमल का बटन दबाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूत। वहीं मीडिया द्वारा पूछे गए दुष्यंत चौटाला पर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास जो भी शिकायत आएगी उसकी जांच की जाएगी। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमारे वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कहा कि मैं श्रमिक हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गरीब परिवार से आते हैं, इसीलिए वे गरीबों और श्रमिकों की परेशानियों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी है, जिस पर अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला होगा, बाकी पार्टियां तो सिर्फ वोट काटने का काम करेंगी। आपको बता दें कि हुड्डा ने यह दावा किया है कि समाज के सभी वर्ग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और हमारे पास उम्मीदवारों का अच्छा समूह है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस ने गुरुवार देर रात को 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। वहीं अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है। वहीं राज्य में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई की भविष्यवाणी करते हुए हुड्डा ने सीधे जेजेपी और इनेलो का नाम लिए बिना दोनों पार्टियों को वोट काटने वाली पार्टी करार कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार की लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के बीच ही है। फरीदाबाद लोकसभा सीट की बात करें तो महेंद्र प्रताप सिंह और कृष्णपाल गुर्जर के बीच यूं तो विधानसभा चुनाव में कई मुकाबले हो चुके हैं, पर लोकसभा में दोनों के बीच ये पहली बार भिड़ंत
होगी। दरअसल आपको बता दें कि यह दोनों 20 साल बाद चुनावी रण में आमने सामने होंगे। इससे पहले 2004 के विधानसभा चुनाव में दोनों के बीच तत्कालीन मेवला महाराजपुर विधानसभा सीट पर मुकाबला हुआ था। आपको ये भी बता दें कि 9 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके 5 बार के विधायक होने के साथ भजनलाल सरकार में और 2009 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह को कांग्रेस ने फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इससे पहले भाजपा ने पहले ही मौजूदा सांसद और केंद्र में भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। अब कांग्रेस के प्रत्याशी भी आने से महासमर का महामुकाबला रोचक हो गया है। हरियाणा की जनता जननायक पार्टी ने ब्रज शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इस बाबत जजपा की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन के अनुसार लिखा गया है कि जननायक जनता पार्टी द्वारा ब्रज शर्मा पुत्र त्रिलोक चंद शर्मा को जेजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जेजेपी ने ब्रज शर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। ब्रज शर्मा जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रह चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि ब्रज शर्मा की ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आपको ये भी बता दें कि इस महीने की शुरुआत में जेजेपी की हरियाणा इकाई के प्रमुख निशान सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। वहीं पूर्व सांसद अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व वाली 5.5 साल पुरानी जेजेपी ने पिछले महीने अपनी सहयोगी भाजपा से नाता तोड़ लिया और घोषणा की कि वह 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में हरियाणा में अपने उम्मीदवार उतारेगी। बता दें चले कि जनता जननायक पार्टी ने अब तक 5 संसदीय सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।